हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो वीक डिजेनरेसी और स्ट्रांग डिजेनरेसी के बारे में रहेगा। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको जो है फर्मी डिराक गैस का जो था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल एनर्जी निकालना आपको सिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके जो है ये वीक डिजेनरेसी और स्ट्रांग डिजेनरेसी वाला केस आपका क्या आ जाए, इजिली समझ में आ जाए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 हमारी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी। मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे उतारा है, देखिए एन इज इक्वल टू 2gs जेड टी अपॉन रूट पाई 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर हाफ अपॉन डी ई पावर x प्लस 1 dx। इस तरीके से आपकी इक्वेशन थी। इसे हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिए, यहाँ पे 5 दे दिए। अब हमें क्या करना है, हमारे लिए सबसे पहला टास्क है कि हम जो ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम क्या करें, सॉल्व करें। तो इस इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे a मान लिया है, तो आपका है 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर हाफ डी एक्स। देखिए यहाँ से मैंने d e पावर x को यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो आपका बना 1 प्लस 1 अपॉन, ये नीचे चले गया d e टू दी पावर x। इधर देखिए यहाँ पे e टू दी पावर x है, ये ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर माइनस x आ गया। 1 प्लस ये मैंने क्या करा है, यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरीके से थी, मैंने ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिख दिया और यहाँ पे पावर क्या कर दिया, माइनस 1 कर दिया। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, नीचे तो 1 है, कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 प्लस ये फिर यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एक्स हो गया और अपॉन डी में ये आपका चल रहा है। तो आपका ए इज इक्वल टू क्या बन कर आया, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन डी, 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन डी की पावर क्या है, माइनस 1। इस माइनस 1 की पावर को, जो ये माइनस 1 पावर है, इसे आप क्या करेंगे, इसे सीरीज के फॉर्म में खोल देंगे। तो हमको इक्वेशन मिलेगी 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन डी। आपने उसे खोला, ये बना 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन डी प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x अपॉन डी स्क्वायर। और इसी तरीके से आपका आगे को सीरीज क्या करेगी, कंटिन्यू चलते रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमें अंदर क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें, जो भी ये टर्म्स है इसके अंदर हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो देखिए 1 अपॉन डी ये वाला टर्म है, 1 अपॉन डी हमने बाहर ले लिया, मैं इसके लिए कर रही हूँ, अब इससे 1 के संग मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर हाफ ये रहा, ई टू दी पावर माइनस एक्स ये रहा, 1 अपॉन डी मैंने इसे क्या कर लिया, बाहर ले लिया और डी एक्स ये आ गया। फिर इस डी के संग मल्टीप्लाई होगी तो डी स्क्वायर आ गया। 0 टू इन्फिनिटी आपका चला, e टू दी पावर क्या है यहाँ पे, ये रहा एक मिनट, e टू दी पावर हमारी आई माइनस 2x, ये यहाँ पे माइनस x यहाँ पे है और माइनस x ये है, तो माइनस 2x हो गया। और ये थी आपकी ये वाली जो है ये x टू दी पावर है, तो ये क्या आ गया आपकी x टू दी पावर हाफ। इसी तरीके से आप आगे को खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, d टू दी पावर 3 और यहाँ पर ये e टू दी पावर माइनस 3x dx, इस तरीके से आ गया। इसे मैंने इक्वेशन नंबर ए दे दी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा अलग तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या करा है यहाँ पे, मैंने रूट एक्स को यू मान लिया है, तो यू स्क्वायर आ गया आपका एक्स, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2u du इज इक्वल टू dx। अब आप यहाँ पे लिमिट देखेंगे तो लिमिट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट आपकी फिर भी वही आएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो आप ऊपर क्या कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1 अपॉन डी 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या है यहाँ पे देखिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u की पावर हाफ, या x की पावर हाफ इज इक्वल टू u है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, इसकी जगह पे u लिख दिया। फिर e टू दी पावर माइनस एक्स है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर है, तो आपको e टू दी पावर माइनस u स्क्वायर मिल गई। साथ में ये जो आपका dx है ये क्या आ गया, 2u du माइनस, सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी क्या करी, वैल्यू पुट करी, तो आपको मिलेगा 1 ओवर डी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी यू इंटू ई टू दी पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो माइनस 2 यू स्क्वायर 2 यू डी यू प्लस, ये इस तरीके से आपका आगे को चलते रहा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करके रख दीजिए, जैसे ए इज इक्वल टू 1 ओवर डी, यहाँ पे ये 2 आपने बाहर ले लिया, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस यू स्क्वायर डॉट u इंटू यू यू स्क्वायर बन गया du माइनस 1 ओवर डी स्क्वायर, फिर ये 2 बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी
यू इंटू यू आपका आया यू स्क्वायर, या आया आपका ई टू दी पावर माइनस टू यू स्क्वायर डी यू, प्लस आपको सीरीज आपके आगे को ऐसी कंटिन्यू करेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आई लेना है और आई इज इक्वल टू क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए यू स्क्वायर डी यू। ये आई जो है यहाँ पे गॉसियन इंटीग्रल है, ठीक है। तो देखिए आप अभी पहले इसे ऐसी सॉल्व कीजिए, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट निकालेंगे इस ए के रिस्पेक्ट में, तो डी आई ओवर डी ए कैसे निकल कर आएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये वाला अंदर जाके, तो आपका क्या आया देखिए, माइनस यू स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस ए यू स्क्वायर, फिर एक होगा तो वन डी यू, इस तरीके से आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या मिला, डी आई ओवर डी ए क्या मिला, माइनस बाहर आ गया, जीरो टू इन्फिनिटी यू स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस ए यू स्क्वायर डी यू। इसे मैंने यहाँ पे अभी क्या करा, इक्वेशन नंबर सी नाम दे दिया। अब आई क्या है, यहाँ पे गॉसियन इंटीग्रल है, तो गॉसियन इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से निकल कर आती है, आई इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए यू स्क्वायर डी यू, ये वाले गॉसियन इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वन ओवर टू रूट पाई अपॉन ए, ठीक है, ये आ गई। अब देखिए यहाँ पे इसे भी हम क्या कर देंगे, ए के रिस्पेक्ट में से फिर से हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या आएगा, डी आई ओवर डी ए इज इक्वल टू वन ओवर टू रूट पाई ऐसी आए, यहाँ पर ये रूट ए का होगा यानी कि वन ओवर रूट ए का होगा, तो ये आएगा माइनस वन ओवर टू ए टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू, इस तरीके से आया, फिर माइनस आपने बाहर ले लिया और टू इंटू टू बन गया आपका फोर, तो रूट पाई अपॉन फोर ए टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू, और ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी डी। अब इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर डी को आप कंपेयर करके देखिए, आपको क्या मिल रहा है, देखिए माइनस जीरो टू इन्फिनिटी यू स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस ए यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट पाई बाई फोर ए टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जीरो टू इन्फिनिटी यू स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस ए यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू रूट पाई बाई फोर ए टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू, आपको ये मिल रही है। आप इसे यहाँ पे ध्यान में रखिए और ऊपर जो हमारी ये वाली इक्वेशन निकल कर आई थी इसे आप ध्यान में रखिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सब कुछ एक जैसा ही है, इसमें जो इंटीग्रल वाली वैल्यू है सब कुछ एक जैसा ही है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे देखिए अगर आप ऊपर कंपेयर करते हैं इससे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू वन, इस वाले टर्म में ए इज इक्वल टू टू, आगे चलकर a इज इक्वल टू थ्री, इस तरीके से आपका आते जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे इन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, सिंपल आप ये वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर a की जगह पे वन टू थ्री इस तरीके से आप पुट करते हुए जाएंगे, तो उससे जो आपको सीरीज मिलेगी वो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी, वन अपॉन डी टू इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे आपने a इज इक्वल टू वन पुट करा तो रूट पाई बाई फोर ए टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू, फिर आपने यहाँ पे पुट करा ए इज इक्वल टू टू तो वन ओवर डी स्क्वायर टू रूट पाई बाई फोर टू 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 दी पावर माइनस थ्री बाई टू, फिर आपके आगे को आगे ऐसी सीरीज चलती रही। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बना, इस टू से टू कैंसिल हो गया तो पाई बाई रूट पाई बाई टू आ गया, यहाँ पे देखिए ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो ये फिर टू बन जाएगा, और नीचे ये माइनस में ऊपर है तो नीचे आ जाएगी पावर, प्लस में हो जाएगी तो टू टू दी पावर थ्री बाई टू। मैंने क्या करा यहाँ से रूट पाई बाई टू इंटू डी, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो ये वाला टर्म आपका वन बना, यहाँ पे देखिए रूट पाई तो बाहर चले गया है, टू डी भी बाहर चले गए तो टू टू दी पावर थ्री बाई टू बचा है, और साथ में यहाँ पे वन अपॉन डी ये बचा हुआ है, ऐसे आगे को आप इसे रहने देंगे। फिर आपको इक्वेशन नंबर फाइव अगर याद होगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, देखिए वो क्या थी, कुछ इस तरीके से थी, यहाँ पे आपका 2 और रूट पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस इंटीग्रल की आप वैल्यू रखेंगे तो 2 और रूट पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको इक्वेशन मिलेगी कुछ ये, देखिए n इज इक्वल टू जी एस जेड टी अपॉन डी वन माइनस वन ओवर टू टू दी पावर थ्री बाई टू इंटू वन अपॉन डी प्लस वन ओवर थ्री टू दी पावर थ्री बाई टू डी स्क्वायर, यह आपका आगे का ऐसी सीरीज कंटिन्यू रही। इसे हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 8 नेम दे दिया। अब इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 6 को देंगे, वहां पर भी एक इंटीग्रल है जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू डी एक्स अपॉन डी ई टू दी पावर एक्स प्लस वन, आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी थ्री बाई फोर रूट पाई बाई डी वन माइनस वन ओवर टू टू दी पावर फाइव बाई टू डी प्लस वन ओवर थ्री टू दी पावर फाइव बाई टू डी स्क्वायर,
ऐसे आगे को। तो यहाँ पे आप फिर उस इक्वेशन को आप एनर्जी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, जो ये इंटीग्रल की वैल्यू निकल कर आई है इसे एनर्जी वाली इक्वेशन में आपने पुट करना है। तो आपको एनर्जी वाली वैल्यू मिलेगी, यानी कि टोटल एनर्जी मिलेगी, वो है 3 GS ZT/2D KT 1 − 1/2 / 5/2D + 1/3 / 5/2D² - आगे को। ये इस तरीके से आपका चला, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 9। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 8 से आपने इक्वेशन 9 को डिवाइड कर देना है। तो E/N = क्या निकल कर आएगा, डिवाइड करेंगे तो देखिए GS ZT और D ये वाला टर्म एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 3/2 KT। ये वाला इसी तरीके से आया, ये वाला जो है इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे -1 पावर आएगी। फिर आप जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक टर्म क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरीके से कुछ ना कुछ एक टर्म 1 ही आएगा, फिर आगे को आपकी सीरीज कंटिन्यू होगी। तो मैंने उस 1 से इस वाले टर्म्स को क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको सीधे सीधे यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से टर्म आएंगे। तो मैंने उन्हीं टर्म्स को यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। देखें E = 3/2 NKT ये आया साथ में, और 1 + 1/2 / 5/2D - 1/3 / 5/2D² इस तरीके से आपको ये जो है टर्म्स आगे को इसी तरीके से मिलते जाएंगे, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्म्स आपके निकल कर आएंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 8 ये है, इक्वेशन नंबर 9 ये है। मैं इसके पीछे वाले ये वाले टर्म्स ना लेके सिर्फ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि 1 तक ही लूँ, ये वाले टर्म तक ही लूँ। तो देखिए आपको इक्वेशन नंबर 8 क्या मिलेगी, N = GS ZT/D और E = 3/2 GS ZT/KT/D इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पे फिर आपने E/N निकाला, E/N निकालेंगे, GS ZT/D एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे सारे, तो E/N मिलेगा आपको 3/2 KT या E = 3/2 NKT। और यहाँ पे क्या है, E = this, ये क्या है आपकी परफेक्ट गैस का रिलेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को एक बार कंपेयर कीजिए, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो ये वाला केस है ये क्या कर रहा है, एक्चुअल परफेक्ट गैस से क्या कर रहा है, थोड़ा सा डेविएट कर रहा है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 9 और 10, एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशन 9 नहीं है क्योंकि 9 हमारी ऊपर ये वाली इक्वेशन थी, तो आप इस इक्वेशन को कोई एक नेम दे दीजिए और उससे इसे कंपेयर कीजिए। आप वो दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे, वी केम टू नो दैट आइडियल फर्मी गैस डेविएट्स फ्रॉम परफेक्ट गैस बिहेवियर एंड दिस डेविएशन इज नोन एज डीजेनरेसी, और इसी डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी इज द फंक्शन ऑफ 1/D और e^(-x), इसका फंक्शन है ये हमने पीछे देखा है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डी, जितनी डी की वैल्यू छोटी होगी आपका क्या होगा, 1/D की वैल्यू ज्यादा होगी और उतनी ही आपकी क्या होगी, डीजेनरेसी स्ट्रांग होती हुई जाएगी, ठीक है। और अगर ये कम होगी या इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी डीजेनरेसी कम हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है हमारा एक केस स्ट्रांग डीजेनरेसी का। स्ट्रांग डीजेनरेसी में भी आपके दो केस बन जाते हैं, वो केस तो हम जो है अगली आने वाली वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप थोड़ा सा स्ट्रांग डीजेनरेसी के बारे में जान लीजिए कि एक्चुअल में स्ट्रांग डीजेनरेसी है क्या। देखिए जब आपकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी और नेगेटिव में होगी, या फिर आपका डी जो होगा 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा, इससे क्या होगा, आपका 1/D की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपका डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी या बढ़ते जाएगी, यानी कि स्ट्रांग केस में आ जाएगी। अब अगर आपने ये वाली इक्वेशन देखी है इस तरीके से, तो यहां से आप अगर 1/D की वैल्यू देखते हैं तो आपको देखिए क्या निकल कर आती है, N/GS ZT, कुछ ना कुछ इसके बराबर आएगी लगभग लगभग। ZT की वैल्यू मैंने आपको पिछले बताई थी, हमने ZT किसे माना था, इस तरीके से माना था 2 πmkt³/3/2V/h³, इसे हमने ZT माना था। यहाँ पे आपने क्या कर दी, ZT की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि स्ट्रांग डीजेनरेसी होने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो लो टेम्परेचर चाहिए, ये टी वाली वैल्यू ये लो चाहिए, दूसरा यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। पार्टिकल डेंसिटी यानी कि N/V, ये क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये दो केस होने चाहिए आपके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो जब कंडीशन आपकी अप्लाई होंगी तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रांगली डीजेनरेट वाला केस मिलेगा।
इसी स्ट्रॉन्ग डिजनरेसी में आपके दो केस आते हैं कि फर्मी ड्राग एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, और एक केस आता है कि टी से थोड़ा सा ऊपर हो लेकिन उस टाइम पे भी आपकी डिजनरेसी जो होती है कंसिडरेबली हाई होती है फिर भी, यानी कि आपकी जो उसे कह सकते हैं आपकी डी जो है फिर भी आपका छोटा होता है यूनिटी से। तो यहाँ पे आपके दो केस बनते हैं और ये वाला केस आपका काफी इम्पोर्टेंट जाता है कि फर्मी ड्राग्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वहां पे स्ट्रॉन्ग डिजेनरेसी दिखाइए। तो ये जो है हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।